हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि यार हम सारी चीज़ें कवर करेंगे 11th में, जैसे आपको 10th का कंटेंट मिला है वैसे ही 11th, 12th और JEE के लिए मिलेगा। नो डाउट ये भी था कि हमने शुरुआत जैसे की थी तो शुरुआत में बच्चों डाउट लगा कि यार पता नहीं हमारा सिलेबस 11th वाला सर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। मैंने आपसे एक भी चीज़ बोली थी, आपको पता है यार मुझे 10th का भी देखना होता है, 10th वाला चैनल आपको पता, जैसे आपको सपोर्ट किया वैसे इस बार जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना है। तो मैंने आपको बोला था जैसे मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा और सारी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी, और वो भरोसा आपने भी दिखाया। तो आप देख सकते हो अपने चैनल पे मैंने सारे चैप्टर्स, मैंने 11th के भी आपने देखे, चाहे 3-3 घंटे के चैप्टर्स हों, 4-4 घंटे के मैंने करवा दिए हैं आपको, इतना सिलेबस करवा दिया, आप कोई टेंशन नहीं। देखो अगर रिसेंट में देखो तो मैं 3D भी निपटा दिया आपका, ठीक है, इसके पहले परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यानी कि 3-4 चैप्टर छोड़ दो अभी जो बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट हमारा पूरा NCERT कवर हो गया। लेकिन क्या ये सफिशियंट है? क्या NCERT करके हमने बहुत बड़ी चीज़ कर ली? तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत बड़ी चीज़ कर ली, लेकिन हाँ ये जरूर कर लिया कि हमने अपना एक एक पार्ट जरूर कवर कर लिया। अगर JEE के लिए हमें 10 स्टेप लेने हैं तो हमने 1-2 स्टेप तो ले लिए हैं, लेकिन इतनी मेहनत काफ़ी नहीं है। NCERT करने से कुछ नहीं होने वाला भी, ठीक है। आपको मैंने JEE की भी लेक्चर्स दे रखे हैं, तो बहुत से अच्छे कमेंट करते सर हमने वो लेक्चर सारे कर लिए हैं कंप्लीट, अब आगे कब होगा? तो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स करवा रखा था, लॉगरिथम करवा रखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रखा है, ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी JEE के हैं और बहुत से अच्छे देख भी रहे हैं, मैं देखता हूँ कमेंट अच्छे करते हैं। लेकिन कुछ नए चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, कुछ नहीं बोलूंगा ज़्यादा बचे हुए हैं, आपका NCERT लेवल का मैंने काम कर दिया, इससे ये ना रहे बच्चों को इस चैनल पर कि हमने NCERT नहीं करवाई आपको। NCERT मैंने पूरी करवा दी है, अब जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना, ठीक है, उसके लिए हमारी तैयारी होना। और बहुत से अच्छे आपके आप में होंगे जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा तैयारी की भी नहीं होगी, अपने इसी स्कूल में उलझे हुए होंगे, तो अब मेहनत करने का वक्त आ गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि यार मैं फंक्शन करवा रहा हूँ, एक लेक्चर आज हो गया फिर 10 दिन बाद, ऐसा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ जैसे मैंने अभी थोड़ा मेहनत करी, आपके लिए जोर लगाया, जिससे कि मैंने एक दिन में ही, चाहे वो 3 घंटे का लेक्चर हो, चाहे 2 घंटे का लेक्चर हो, जो भी है, चाहे 4 घंटे का हो, मैंने एक दिन में ही ख़त्म कर दिया। वैसे ही अब मैं कुछ करने वाला हूँ JEE के साथ। JEE जिन बच्चों का टारगेट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट है, तो आप देख सकते हो रिसेंट में मैंने एक वीडियो यहाँ पे कर दिया लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, स्ट्रेट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी वन शॉट में, यानी एक दिन में ही मैं सारा खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे 3 घंटे देने पड़े, चाहे फिर 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, चाहे 6 घंटे, चाहे 10 घंटे, जितने भी लगे, आई डोंट नो, ठीक है, समझ रहे हो? तो जितने भी घंटे लगेंगे इस चैप्टर को मैं संडे को करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपको मैं ऐसे करूंगा वीक में एक बार आ गया और पूरा खत्म करके चला गया। यानी अब जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं JEE के, मैं ऐसे वन शॉट करवा करवा के सारे चैप्टर्स खत्म कर दूंगा, और मुझे विश्वास है आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, और जो आपका भरोसा इस चैनल पर बना के आपने रखा हुआ है, इस भरोसे को मैं बेकार नहीं होने दूंगा। इस भरोसा जो आप करते हो चैनल पर कि यार यहाँ पे कॉन्टेंट मिलेगा, क्वालिटी कॉन्टेंट मिलेगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ करना है, लेकिन आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख देना मिलकर मेहनत करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रात में जो मैं सेशन लेके आऊँ टॉप 20 क्वेश्चंस का, देखो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहो पैरेलल में, जब भी मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ रात में, आप उसमें आ जाया करो, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो भी चैप्टर के मैं करवा रहा हूँ, पैरेलल में हम संडे संडे या सैटरडे जब भी मैं सेशन रखूँ, लंबे सेशन होंगे। अब ये मैंने ठान लिया है वन शॉट सबसे बढ़िया रहेगा, चाहे एक बार में 8 घंटे लगे या 10 घंटे, खत्म कर दूं। ये टेंशन बार बार की न रहे कि एक लेक्चर हो गया फिर 2 लेक्चर कब होंगे, बच्चे को एक बार में ही सारी चीज़ें मिल जाएं। तो मैं ये करने वाला हूँ फिलहाल, इस संडे में ये चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है, आप बताना ये स्टेप कैसा है। और साथ के साथ मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था, बच्चे परेशान थे सर NDA वालों का आप कुछ नहीं कर रहे हैं, JEE वालों का कर रहे हैं, तो देख लो यार मैंने प्रॉमिस किया था ना मैं करूँगा, पीछे नहीं हटूंगा, नहीं हटा पीछे। देखिए अगर आप डाउट इंजन पे जाएंगे, A4S डाउट इंजन, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे आप देखो JEE पे क्लिक करोगे, DPPs पे क्लिक करोगे, चैप्टर वाइज DPPs अपलोड हो गई हैं, चाहे जो चैप्टर देख लो, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, बाइनोमियल, सिक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, क्लिक करोगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे DPPs की PDF फाइल आ जाएगी और हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। सिमिलर आप अगर NDA को टारगेट कर रहे हैं तो अगर NDA को क्लिक करोगे तो NDA पे आप DPPs पे क्लिक करोगे तो NDA के लिए DP सेपरेट बनाई है। क्यों बनाई है सेपरेट पता है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो JEE में आते हैं
थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं वो एनडीए में कभी नहीं पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस करने की क्या जरूरत है आपको। तो जो बच्चे एनडीए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए मैंने अलग से बनाई है चीज, अलग से, कि बच्चे को ये डाउट ना रहे कि यार ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रॉमिस निभाया आपसे, मैंने बोला था मैं एनडीए के लिए वर्क करूंगा, और अभी भी बहुत काम करना है यार, अभी बहुत मेहनत करनी है, और हमारे पास टाइम अभी है, अभी निकला नहीं है, बस तबाही मचानी है, फोड़ना है। जो लोग कहते हैं कि यार 10th बहुत अच्छे से हो गया, 11th नहीं हो पा रहा है, करो तो मेहनत, मैं तैयार हूँ। जैसे 10th में मेहनत करी थी हम लोगों ने मिलकर, 11th में भी करो यार, अगर आप नहीं कर रहे हो तो किसका वेट कर रहे हो, करो मेहनत, मैं तैयार हूँ। दोनों लोग मेहनत करते हैं और मिलके कुछ फोड़ते हैं, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकलेगा जिससे कुछ फीस कम लगेगी, फीस नहीं तो कम से कम ऐसे कॉलेज में तो पहुंचेंगे जिससे रिटर्न मिल जाए आपको, अच्छा प्लेसमेंट आपका हो जाए। तो बस मैं वो तैयारी कर रहा हूँ, बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताना आप क्या देखते हो, क्या आप मिलके मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने तो ठान लिया है कि बिल्कुल पूरी जोर लगा दूंगा, जैसे 10th में आपके लिए जोर लगाया था, इस चीज़ में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे जो हो, लाइट आए या ना आए, कुछ भी हो। ठीक है, बस ये कैमरा और ये बोर्ड अगर दिखाई दे रहा है आपको तो पढ़ाई होगी और जम के पढ़ाई होगी, करना है यार। ठीक है, मेहनत करते मिलके और तभी कुछ हो पाएगा यार, ऐसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए बस इतनी सी कुछ मेरे मन में बहुत आ रहा था यार, मुझे आपको बताना है कि यार मेहनत करनी है, बहुत ज़रूरी है मेहनत करना, ऐसे काम नहीं चलेगा, और मिलके फोड़ते हैं, और जब भी मैं सेशन रखूँ जरूर आएँ और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।